Hi everyone, this is Aman Tilak from AIIMS New Delhi. Finally, NEET 2022 खत्म हो चुका है. My dear friends, काफी relaxing लग रहा होगा और आपने NEET वैसे ही दिया होगा जैसे कि कोई एक दूसरा मॉक पेपर हो. अच्छी बात ये थी, NEET में इस बार आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, पेपर आसान था और इस बार कोविड का उतना ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई. और चौथी चीज, नीट पोस्टपोन का भी बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं हुआ. तो अभी जो एंड इंटरव्यू है उसमें आप भी यूट्यूब पे देखना, खूब सारे इंटरव्यूज हैं. ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि पेपर काफी आसान था. बायोलॉजी जैसा मैंने बोला था, एनसीईआरटी की लाइन वैसे के वैसे आई. फिजिक्स केमिस्ट्री भी पिछले साल के कंपेरिजन में मैं बोलूं तो काफी आसान आई थी माई डियर फ्रेंड्स. अब इस वीडियो में हम लोग बेसिक जो बात कर रहे हैं कि जो नीट का कट ऑफ है वो कैसा रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा. तो देखो, दो मेन फैक्टर्स है जहां पर ये डिपेंड करेगा. पहला कि पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी थी. ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल कराई है ना, उसमें पूछा कि हाउ वॉज द लेवल ऑफ नीट 2022 पेपर. मोस्ट पीपल से कि वो 70% पीपल से कि वो इजी और मॉडरेट है ना, 75% बल्कि पीपल 76% टू बी एग्जैक्ट. एंड कंपेयर टू नीट 2021, ऑलमोस्ट आधे बच्चे जो है वो ये कह रहे हैं कि जो पेपर था वो इजियर था. ठीक है, आधे लोग कह रहे हैं डिफिकल्ट था, है ना. तो आप मान के चलो कि इस बार पेपर जो है, देखो यार ये फैक्ट बात है, देखो आसान था, मैंने भी देखा है पेपर, आपने भी देखा था पिछले साल का पेपर, देखो उसके कंपेरिजन में काफी आसान पेपर है. दूसरी चीज, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव अपीयर्ड दिस ईयर आर 15% मोर. अब 2021 में देर आर 16 लाख पीपल, दिस ईयर देर आर 18.5 लाख पीपल माई डियर फ्रेंड्स. अब जो है यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो आपका कट ऑफ है वो इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है. मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं. 2016 में 650 नंबर के आसपास पे 30 रैंक के आसपास आ जाती थी, मेरे 655 नंबर पे 254 रैंक आई, मतलब 10 गुना पीछे चली गई रैंक. पेपर आसान था, नंबर ऑफ पीपल जो 2016 में पेपर दिए थे वो 6 लाख थे, 2017 में जब मैंने दिया पेपर तो देर वर 13 लाख पीपल, तो वो डबल हो गए. अब की बार उतना नहीं इंक्रीज हुआ है लेकिन नंबर ऑफ पीपल हैव इंक्रीज्ड. आपका इस बार काफी इजी सर्कमस्टांसेस में नीट हुआ है, पोस्टपोन का कोई ड्रामा नहीं था. तो देखो मैं आपसे सिंपल क्लियर चीज बोल रहा हूं, है ना. देखो मेरा आपसे सच सच बात आपको हवा में चढ़ाना नहीं है, क्लियर बात करना है. अगर आज आप अपना पेपर आंसर की मिला लो, अगर आपके 625 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो. तो आपकी कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आपका कोई भी स्टेट हो, 625 के ऊपर आपके नंबर हैं तो आप एक सेफ कैटेगरी में हो. अगर आपके 575 से लेके 625 नंबर के बीच में है तो आप थोड़ा सा आपका डगमगा रहा है ना. और 575 से नीचे है तो श्योरली आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आप चाहे देखो अगर जनरल कैटेगरी के हो तो किसी भी स्टेट से बहुत मुश्किल है नहीं मिलने वाला. 575 से 625 नंबर है तो ये कंट्रोवर्शियल है यार, ये डिपेंड करेगा, ये नीट के रिजल्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है. फाइन, तो आप अपना नंबर कैलकुलेट कर लो अगर 625 के ऊपर, रिलैक्स करो, यू हैव डन इट ग्रेट. अगर आपके 575 से कम नंबर, आप लोग चेक करोगे कुछ बच्चे होंगे जिनके 200 नंबर के, 400, 450, कोई पॉइंट नहीं. मैं अपना बताता हूं, मेरा नीट का पेपर मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं गया था. मैंने जिस दिन नीट हुआ उस दिन तो मैंने आराम से आया मैं घर पर और मैंने रिलैक्स ही अपने आई, गॉट अ हेयर कट. अगले दिन से 20 दिन बाद एम्स था, मैं लग गया. मेरी 250 के ऊपर रैंक थी नीट में, एम्स में 33 रैंक थी, एम्स दिल्ली मुझे मिला क्योंकि मैं वो 20 दिन लगातार हर रोज 17-18 घंटा पढ़ा. अगर आपके आज की डेट पे अगर आप अपना आंसर की चूज करते हो, आप अपना वो करते हो और आपको पता लगता है 625 के ऊपर, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपको पता लगता है आपके 450 नंबर है, कोई पॉइंट नहीं है टाइम वेस्ट करने का. टेक अ ड्रॉप एंड टेक अ लीड फ्रॉम ऑल दी अदर पीपल जो कि एक महीना नीट के रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे. दैट इज द फैक्ट. आज आप रिलैक्स करो लेकिन आप डिसाइड करोगे कि आपका ख्वाब कितना है. हो सकता है आपका ख्वाब 150+ नंबर लाके एक नीट क्वालिफाई करके एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ना हो. हो सकता है आपका ख्वाब 600 नंबर के ऊपर जस्ट जाकर एक अपने स्टेट कोटा से अपनी सीट मेडिकल कॉलेज लेना. हो सकता है आपका 650 ऊपर लाकर जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वहां पर जाना हो. या फिर हो सकता है कि आपका 675 के ऊपर
टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में जाने का प्लान डिसाइड आप करोगे, और जो आप डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। प्रॉमिस मी दिस, मैं आपका हाथ थाम कर आपको आगे तक लेके जाऊंगा, आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक एडमिशन आपका मैं कराऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रॉमिस करना है कि आपको अपनी तरफ से 100% देना है, जो सपना देखा है उसके अकॉर्डिंग में मेहनत करनी है। अगर जिस बच्चे का सपना 150+ नंबर लाकर क्वालिफाई करके नीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वर्सेस जिसका 675+ सपना लाना है, दोनों की मेहनत में जमीन आसमान का फर्क होगा। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड मैं मोटिवेशन करके आपको नहीं दूंगा, डिसाइड आपको करना है। हम लोग हर बार जो है, आप इतने सारे आपको बैचेस देखेंगे अगले 2-3 दिन में हर जगह लॉन्च हो रहे होंगे, अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कोटा में, दिल्ली में, हर जगह दिख रहे होंगे। लेकिन बैच कोई भी एनरोल करके सिलेक्शन नहीं होता, ये याद रख लेना। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। होता क्या है, कोई भी आप लाइव बैच देखोगे, किसी भी, आप चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी जाओ, पहले महीने सारे पूरा बैच फुल रहता है, पहले टेस्ट में सब लोग आते हैं, 2-3 महीने 4 महीने बाद 70% लोग छोड़ देते हैं, दे गिव अप। आप अगर उन गिव अप करने वाले लोगों में से हो तो ड्रॉप मत करने की सोचना, प्लीज चूज अनदर फील्ड। अपने पेरेंट्स का पैसा, टाइम अपना वेस्ट मत करो, टेक अनदर फील्ड, BA, BAMS, नर्सिंग, BSc कुछ ले लो। लेकिन अगर आप ये प्रॉमिस करते हो कल से या मैक्सिमम परसों से आप मेहनत करोगे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के लिए 2023 के लिए, तो हाथ हमारा थाम लो। एक बैच हम लोग स्पेसिफिक लेके आए हैं ड्रॉपर्स के लिए, जो लोग रिपीट कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली। एक ड्रॉपर जो है वो जीरो लेवल पे की प्रिपरेशन पे तो है नहीं ना, उसको, आपको क्या लगता है, आप लोग अगर 11th में आपने अच्छे से पढ़ा था ना वो काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल, जहां प्रॉब्लम थी वो ये टॉपिक्स नहीं थे, इनको जरूरत ही नहीं, ये आप खुद से पढ़ लोगे। मेन प्रॉब्लम आपकी SHM वेव्स इधर आती थी, आपको जो है लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, आपको प्रॉब्लम थी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, मुझे रोक लेना अगर गलत बोल रहा हूं मैं। तो एक ड्रॉपर की जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होगी वो एक क्लास 12th के बच्चा जो है जो अगले साल नीट दे रहा है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और आप खुद डिसाइड कर रहे हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूं, आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आप मेरे से ये प्रॉमिस करते हो 6 घंटा मैं डेली पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं कल से, आई प्रॉमिस यू आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लायक हम लोग बनाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हो तो 650+675+ स्काई इज द लिमिट फॉर यू, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी अभी से आपको लानी पड़ेगी। हम लोग अपनी तरफ से आप सबके लिए, जो लोग रिपीट कर रहे हैं, रैपिड रिविजन बैच फॉर रिपीटर्स लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में पूरा एक वीडियो है 25 मिनट, पूरा उसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि क्या क्या चीजें, कैसे आपको पढ़ना है। बट खींच तान के अगर आप 6 घंटा प्रॉमिस कर सकते हो पढ़ने के लिए, तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी पसंद का मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्राइस इसकी हम लोग ने काफी अफोर्डेबल रखी है, 3000 रुपीज से भी कम हम लोग इस प्राइस पे लेके आए हैं, पूरे साल का लॉन्ग कोर्स है। फॉर दी फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो एनरोल कर रहे हैं, हो सकता है आज रात, हो सकता है कल, फॉर देम द प्राइस इज जस्ट 1499 रुपीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एनरोल कर सकते हो। पढ़ाई स्टार्ट करनी है आपको, आप ज्वाइन करके बैच 6 महीने ना पढ़ो, आपकी मर्जी, कोई बैच आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। आप ऑनलाइन में, ऑफलाइन में 2 लाख रुपए फीस देके जाओ, अगर क्लास में बैठ के कुछ और सोचो, सपने देखो बस, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका खुद अपने आप से प्रॉमिस करके, अपना 100% देकर होगा। आज आपने अगर टेस्ट दिया है, आप पेपर उठा के देखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत किए आपने वो सही हो रहे होंगे, आप सही वो आते थे आते हुए गलत किए। क्यों गलत किए? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस एडिक्वेट नहीं थी, आपको स्ट्रेस में जो है वो मेहनत करनी उतने अच्छे से नहीं आती थी। हम लोग आपकी पूरी मेहनत कराएंगे, आपका सिलेक्शन आप खुद करोगे, लेकिन हम आपको वो गाइडेंस देंगे, पाथ देंगे। डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, जरूर से एक बार पूरा देख लेना। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर ड्रॉप कर रहे हो नीट 2023 के लिए, तो पढ़ना स्टार्ट कल से कर दो, और अगर 625 नंबर आ रहे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिलते हैं मेडिकल कॉलेज में। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।